22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन का महीना खास तौर पर शिवजी को समर्पित किया जाता है। माना जाता है कि भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करने पर मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। इसी के चलते देश भर में शिव भक्तों की धूम है। वैसे तो भोलेनाथ भक्तों की पूजा से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में भोलेनाथ की साधना के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी कड़ी में लोकल 18 ने काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से खास बातचीत की। उन्होंने कुछ ऐसी बातों की जानकारी दी महादेव की पूजा के दौरान जिनका पालन जरूर करना चाहिए। तो क्या है ऐसे नियम, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से हमारा कल्याण होता, तो पहली बात उनको नित्य जो है एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसमें राम राम लिख करके चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, सात्विक आहार हमको ग्रहण करना चाहिए, फलाहार का एक भोजन करना चाहिए, फलाहार ग्रहण करना चाहिए हमको, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। विशेष करके सावन के प्रदोष के दिन, एकादशी के दिन और सोमवार के दिन, चार पांच सोमवार हो गए, दो प्रदोष हो गया, दो एकादशी हो गया, तो कुल मिलाकर के आपको 5, 2, 7, 2, 9, ये 9 दिन विशेष महत्व होता है। इन 9 दिन हमको रात्रि भर जागरण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पंचाक्षरी, स्वयं गोस्वामी जी ने काशी की महिमा कहते हुए कहा है कि पंचाक्षरी प्राण मुद माधव अगप्य सुपंच नदासी, यानी कि पंचाक्षरी जो है काशी में प्राण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अनवरत जप करते रहना चाहिए। इसमें हमको संतों के साथ रह करके या अपने परिवार के साथ रह करके रात्रि भर हो सके तो सोमवार के दिन जागरण करनी चाहिए, चार प्रहर की आरती करनी चाहिए। सावन के दौरान भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व होता है। शिव भक्तों को बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, इससे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सावन महीने में आने वाले सोमवार के दिन व्रत रखा जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी के मंदिर में दर्शन और रुद्र अभिषेक का महत्व होता है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जयसवाल की रिपोर्ट।